नमस्कार दोस्तों, दीपावली और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। रेनीकोट में यूनिक चीज दिखाऊंगा और ये रेनीकोट में है सभी लोगों के लिए तोहफा के रूप में होगा। इस समय उपस्थित हूँ मैं फिश स्पा डॉक्टर फिश। क्या प्रोसीजर यहाँ का होता है, कैसे यहाँ कार्य होता है, इसके बारे में मैं जानकारी भी लूंगा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो फिश स्पा आपने जो इजाद किया है रेनीकोटवासियों के लिए, ये नया तोहफा यूनिक चीज है, ऐसा जनपद सोनभद्र में नहीं है? नहीं है, ये अभी सोनभद्र में पहला खुला है जी, और ये मेट्रो सिटीज में, बनारस में, दिल्ली में जी, गाजियाबाद में, इन सब जगहों पर, बॉम्बे वगैरह में बहुत अच्छा है जी। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कस्टमर को कि जो भी आपके पैर के डेड स्किन, डेड सेल्स होते हैं, उस डेड सेल्स को ये खा जाता है जी। और इस मछली को दांत नहीं होता, इसका साइज मैक्सिमम 2 इंच से 3 इंच के बीच में आता है जी। और ये क्या करता है कि आपका अगर एड़ी फटा हुआ है, जो क्रैक हिल कहते हैं जिसको जी, तो उसको भी अगर आप कंटिन्यू 10 दिन कर लेंगे तो फिर वो भी आपका 0-0 हो जाता है एकदम। और ये स्ट्रेस के लेवल को भी कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन रखता है जी। ठीक है, ये फायदे हैं इसके। यही सोच करके मैंने सोचा कि सोनभद्र में ये इसको किया जाए ताकि थोड़ा सा इसका बेनिफिट लोगों को मिले जी। लेके चलता हूँ आपको अंदर। यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, जूम करके दिखा सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि छोटी छोटी फिश पैरों में ऐसी चिपट जाती हैं जैसे मधुमक्खी होती है, और इन्हीं की एक क्रिया होती है जो आपके शरीर को फायदा करेगी और आपके शरीर में जो शल्य विकार है उसको ये खा जाती हैं। और यहाँ पर जो लोग इस समय इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो मसाज करवा रहे हैं फिश मसाज, मैं उनसे उसके आनंद की और उसका क्या अनुभव होता है इसकी जानकारी भी लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जो फिश मसाज आप करवा रहे हैं कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, और ये मछली अंदर घुस रही है जी, तो थोड़ा गुदगुदी टाइप का लग रहा है जी, लेकिन अच्छा लग रहा है। और इसके ये फायदे हैं, देखिए लगभग लगभग पूरे चिकने हो गए हैं, जूम करके दिखा सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं, कहीं से कोई भी कैक दाग नहीं है, पूरा ये चिकना हो जा रहा है, मछली सब जो है चिकना कर दे रही है जी। आप अपना नाम नहीं बताए? मणिशंकर सिन्हा जी। और यहाँ पर जो भी लोग हैं सबका अनुभव और सबकी विचारधाराएं लेता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील अग्रवाल, लायंस क्लब ऑफ रेनीकोट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ जी। और मुझे आज मालूम चला कि जो सेवाएं विदेशों में मिलती हैं अपने इंडिया में कहीं अभी तक नहीं दिखी थी, वो हमारे आज रेनीकोट में हमारे भाई आशीष श्रीवास्तव जी ने शुरुआत की जी। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सुना था इसका, बहुत अच्छी चीज है, और आज हम लोग को करने का मौका मिला और आगे सेवा मिलती रहेगी इसकी, इसके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा आशीष भैया को। और इसका अनुभव ये है कि मैंने भी पैर डाला अंदर, पहले शुरुआत में थोड़ी गुदगुदी लगी, फिर नॉर्मल, और देखता हूँ फिर बाहर निकलने के बाद कैसा लगता है मुझे। मैडम जी क्या कहना चाहेंगी, जो फिश मसाज है इसके बारे में कैसा अनुभव हो रहा है आपको, इसके बारे में कुछ बताएं? मैं कला अग्रवाल, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मतलब फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। देखिए अक्सर बड़े बड़े शहरों में इस फिश मसाज को ईजाद किया गया था, लेकिन ये बड़े ही सौभाग्य की बात है रेनीकोट वासियों के लिए कि रेनीकोट में भी ये फिश मसाज उपलब्ध है और ये हनुमान कटरा के पास है। मेरा नाम सौरभ है, आरके सेल्स मेरी शॉप है जी। बहुत मजा आ रहा है जी। आज इसका उद्घाटन था, ओपनिंग थी, सभी लोग आए हैं। मैं जानना चाहूंगा इससे कोई साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा तो नहीं? इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके पैर में चोट लगी है या ब्लड आ रहा है जी, तो ये मसाज आप न लें, अवॉइड करें जी, बस बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें। ये होता है जैसे कोई बैक्टीरिया या कुछ शरीर में जो है, तो वो बस खाली अगर आपको चोट लगी है या आपके ब्लड आ रहा है पैर और में, तभी वो साइड इफेक्ट है, अदरवाइज कोई इफेक्ट जी साइड इफेक्ट नहीं है।
देखिए विशेष संदेश ये है कि अगर आपके पैर में कोई घाव वगैरह है, जहां तक आपका पैर पानी में डूबता है उसमें अगर कोई घाव वगैरह है तो इस मसाज को नाप लें। इस मसाज को कराने के लिए जब लोग आते हैं तो पहले थोड़ा डर भी रहता है कि ऐसा ना हो कि मछलियां तेजी से काट लें, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा लग रहा है आपको ये जो मछलियों की मसाज हो रही है, फिश मसाज, क्या अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में आपको बताओ, अपना परिचय दीजिए। मैं अभय भार्गव जी, आशीष मेरे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है नगर के लिए जी। और जो अच्छी चीज आती है वो अच्छी ही होती है जी। ये जो हो रहा है ये एक अच्छी अनुभूति है। इस तरह की सेवा पहले भी कई जगह लिया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। रेनकोट में हमारे पहली बार आया है जी। और इसके मेडिकल भी फायदे हैं, तरह तरह के फायदे इसके हैं, जो कि लोग बताते हैं अलग अलग की स्किन क्लियर तो एक सबसे बड़ा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी है, सारी चीजें हैं जी। लेकिन यह है कि आपको एंजॉय करना चाहिए, कोई भी चीज उसको एंजॉय करना चाहिए। और राइट नाउ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इन्होंने एक बड़ा एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी बना रखा है, सारी चीजें बैठ के एंजॉय कर रहे हैं जी। और जितने भी पल यहाँ बिताएंगे वो आपका आनंद में ही होंगे, उसका हम एंजॉय करेंगे। गुड लक टू आशीष और ऑल द बेस्ट टू आशीष जी। काफी गुदगुदी होती है जब पैरों में ये चिपकती है और काटती है, काफी अच्छा भी लगता है। और एकजुट होकर के एक अपना जो है यूनिटी बना करके जैसे चिपकती है वैसे ये फिश यहाँ पर चिपक रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। कभी अवसर मिलता है आपको, हनुमान कटरा के पास में है रेनीकोट में, कभी भी अवसर मिलता है तो आप जरूर आवें और इस फिश मसाज का आनंद जरूर लें। इसे ही दिखाता रहूंगा मैं, संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।